बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आज फिर से एक मजेदार से वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखेगा। आप में से कोई दोस्त मेरे चैनल पे नया है तो फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये है जनाब हमारे पास छोटे छोटे पीस कपड़े के, आमिश ने है इधर रहने दो, और मुर्गियों को खोल के ले गया। सुबह से जो है ना हमने मुर्गियां नहीं खोली, जो नई जो है ना आमिश की अम्मी जी ने ली। इधर रखो ना, इधर पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। बार बार नहीं, हाँ, मुस्तफा की टोकरी ले आओ उधर, एक एक निकालना तो बांध के जो है ना टोकरी के नीचे रखना, फिर इकट्ठी बाहर निकाल लेंगे। बड़ी बड़ी जो हमारी मुर्गी है ना, आगे रखो ये। कोई हाल नहीं, मैं क्या फार के छटी है, नहीं ताबे मार नहीं। चलो उठ के फारो दे नाल हुन। ये जो छोटे मुर्गे हैं ना, नए अभी ये थोड़े छोटे हैं। जो पहले वाली मुर्गी है ना वो तो चली जाती हैं, लो मैं पकड़ू, बाहर चली जाती हैं, आ भी जाती हैं खुद, लेकिन ये सारे दिन घर में रहते हैं। तो बाहर अम्मी जी कह रहे थे कि इन्हें निकालना करना है, थोड़े बड़े भी हों, बाहर घूम फिर के खेतों में, मोहल्ले में और भी लोगों के हैं चूजे, उन्होंने भी छोड़े होते हैं सेम इसी तरह के, ज्यादा दूर से ना बांधना। तो अम्मी जी कह रहे थे इस तरह से रस्सियां बांध के ना छोड़ देंगे, निशानी लगी रहेगी, ये उठाओ ऊपर, फिर इकट्ठा जो है ना छोड़ेंगे बाहर। चलो मैं कह भी रही थी नहीं कि एक एक निकालना, इसने फटाफट से ढक्कन उठाया और जो है ना जनाब दो भाग गए हैं बाहर। सुबह से निकाल नहीं थे रे टाइम, वैसे अभी 8:30 बजे का हुआ है कि इन्हें ये बांध के ना फिर ही निकालेंगे, ऐसे निकल गए ना पकड़े नहीं जाने। इधर ना लाया क्या, इधर ले आओगे फिर फार कटेगी। आमिश मुर्गियों को छोड़ के चला गया उधर, कोई बकरा देखने वाले आए हैं। नहीं छोड़ना इन्हें, ये वाला 80,000 का उस दिन बेच रहे थे हम, देने भी आए थे आदमी, हमने कहा कि हमने अपने गांव वालों को देने हैं। चलो आइयो ही अपना काम करिए, उन्हें रेट नहीं बनना। अबू जी कह दे दो बकरियां का 1,00,000 रुपया। आहो तो इतनी महंगाई है। हाँ चलो आप बंद हो इससे, ज्यादा जोर से नहीं बांधनी, ऐसे उतर जानी है। नहीं वैसे 2-3 दफा घेरा लगा देना ना, बस निशानी ही लगानी है। मेहंदी लगा दो भाई, जब छोड़ने ना थोड़ी देर पास भी बैठना है सामने। उठ साई, तो साई ता उठ, साई है डिफरेंट। अभी ध्यान थोड़ा सा पीछे करना। चलो जी लाओ इधर, बर्तन वेखन दिया कि काट देने हैं बतखारा जिया ने सुबह सुबह आटा पाया हुआ, इन्होंने हजम कर दिया ने पिया। साईं साहब उठो, काट दे मुर्गे, काट दे बाहर, उठ चला हज कर दे, अगे है ही एक होर है ये बीमार, इन्हें काट देंगे बाहर, भाई वड्डियां भी बनने हो तो छड़ छड़े नहीं, वह तो आई जी ने खुद की कार, उनकी तो पहचान है मुझे। हमारे मोहल्ले में ना 3-4 अगर उन्हें एक ही आदमी से लिए हुए तो सेम सेम ही तकरीबन ना। अभी इसमें से निकाल के आराम से इकट्ठे पकड़ने, फिर बाहर लेके जाने हैं। इधर छड़ना नहीं रही, फिर तू तोड़ते जान गे उधर, आराम ना छड़ दे। चार ये किसी की है मुर्गी, तो एक जो है ना नागा वो थोड़ा बीमार है, उसे मेडिसिन खिला रहे हैं डेली, उसे नहीं छोड़ा बाहर, कोई कुत्ता ना पकड़ ले। ओ दूर और लोगों ने भी छोड़े हुए हैं, इतने बैठे हूं थोड़ी देर भी, वो सामने किधर किधर जान दे जी।
देखो चुगने लग गए हैं अभी यहाँ। ऐसे खुली जगह पे सही फिरे ना खाएं पिए तो फिर जल्दी बड़े होते हैं वो बतखे। आमी जो हमारी छोटी बतखे हैं ना वो बड़ी हो किस तरह की होनी है, इस तरह का कलर होना है काला काला है ना। हाँ नहीं बाजी और डबे रंग ओ वे क्या कुत्ता, इन कुत्तों का डर होता है कि यहाँ पे पकड़ ना ले क्योंकि अभी तो हमारे है अभी छोटे ही है। एक और नाली च अब्बू जी जो है ना अपनी भैंसों को पानी वगैरह पिला रहे हैं। टाइम हुआ है 4:30 का और जनाब आज भी गर्मी जो है ना इंतहा कर रही है, जितने दिन बारिश हुई है ना उससे दुगनी जो है ना गर्मी फिर से पड़ना शुरू हो गई है। तो मैं जो है बना के लेके आई हूँ अब्बू जी के लिए मिल्क शेक, तो अभी जो है ना अब्बू जी को आवाज देते हैं कि आके पी ले यहाँ छांव में बैठ के। और खतीजा जो है ना यहाँ पे हमें लेसन दे गई है कि बैठ के ये भी साथ ही छीलो। अब्बू जी आइयो पी लो पानी पहला। हेलो अलमान जी तो ही सोने का तरीका चेक करें। यहाँ पे बना रही हूँ मटन का सालन जो कल लेके आए थे, काली मिर्ची वाला बनाना है ऐसे उबाल के ना। उधर दाल का बनाया है माश दाल और चनों की दाल वो पका के उतार लिया, और यहाँ पे भी रखा है चावलों का ये पानी दाल के साथ चावल। मीना मैं बना रही हूँ खाना, आमिश आया आइसक्रीम वाला आया बाहर कोन वाला, तो कह रहा आमिश उस तरह मांग जिंज मांगना है ना फिर दांगी तो लफी था है। नहीं पहला जे पैया नहीं दूसरी तरह जिंज मंगे ने आके तेनू पता नहीं किंज मंगे कोई भी खाए ये तो पैया यार नहीं कह रहा पैया दे छदाई नहीं छदैन ये तो पैया उन्हें तोड़ जाने जा लाया क्या सारिया लाए ओथे खाए फिर खुर जानिया ने ओथे खाए फिर खुर जानिया ने ते खुरन ते ना ये तो जनाब सारा दिन खाती रहती हैं। वो मुर्गियां तो चलो कहीं कर लेती हैं कोई रेस्ट रुस्ट, लेकिन ये मैडमे जो है ना ये इनका तो मुंह रुकता ही नहीं है, हर टाइम खाती रहती हैं। कभी उधर। ये तो हमारे है ना सारे, तो ये जो मुर्गा है ना ये नहीं हमारा, इससे पहले जो है ना सेम इसी कलर का इतना सा ही जो है ना हमारा मुर्गा था, तो जो मतलब जिसकी मैंने एक दो दफा वीडियो भी बनाई थी, बड़ा वो तंग करता था हमें जो है ना, वो सामने घर चला जाया करता था, रात को घर नहीं था आता पकड़ के लिए क्या करते थे, तो उसे पता नहीं आमिश ने सेल कर दिया था। हाँ मेरे ख्याल में सेल कर दी थी, बड़ा तंग करता था वो, उसे फिर हम बांध के भी रखते थे। तो ये अभी किस मोहल्ले का ये भी सेम हमारे तरह का, ये हमारा लोगों के घर जाया करता था, ये जनाब हमारे घर आ जाता है सुबह सुबह, अभी हमने अपनी खोली भी नहीं होती तो ये सुबह सुबह ही आ जाता है हमारे घर सेम उसी तरह के। वाकई आमिश खोर गिया ने, एक खतीजा नु दे एक अम्मी नु दे छड़ एक तू रख ल अमीन दे आ कल जाना मैं हूं हेलो की होया आई आग च पै गई तैन लाना ही ना सबर ना लाना ही मच्छर पै गया। आइसक्रीम दिखा लिए कौन की सलाई फिर तैयारी शारी की थी या कि नहीं है या किथे होए की मतलब सुबह पार्टी देनी है तो की मतलब किथे होए सो रहा है बस तू तो उठ के मुंह ही नहीं धोता आमिश मुंह तो रहना सी लगता तो नहीं पिया हिसाब नहीं लाते ढिला छिला होगा फिर ना तैयारी कर ला रह गए 100-150 बस देख लेने फिर तक आमिश हर वीडियो च अपने वास्ते आना करवा दो मेरे वास्ते तला मार छा रहा वीर नहीं है फिर तेरी मनी जानती है मनी ही जानती और की है मनी नहीं जानती जे तेरे तो तरला मारना तेरे तो पहला मेरे हो गए ना फिर तेन पार्टी माफ बरा तू हो आमिश भैन वास्ते ना भी नहीं कर सकता मुंह जाके धोना निकल जाता बिचू बस मली ना जा बिच की कुछ भी नहीं गिदा ने मुठ के मुंह नहीं ना धोता
बस जाग तो चल जी। तो जनाब यही थी मेरी आज की मजेदार सी वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसा कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई भी गलती होगी तो माजरा दो में याद रखिएगा। जैनी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।